आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन इज इंडिविजुअल विथ आईक्यू ऑफ 90 to 110 एज आर डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शंस आर गिवन एवरेज, डल, नॉर्मल, ब्राइट, नॉर्मल, बॉर्डरलाइन। सो इसमें बताना है कि जो आईक्यू होता है सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल सबका अलग अलग होता है। तो जो 90 से 110 के बीच में जिनका आईक्यू होता है वो बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं। सो जो स्टर्न थे हमारे स्टर्न, उन्होंने आईक्यू का एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज आईक्यू इज इक्वल टू कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। सो इसके बेसिस पे क्या होता है, मेंटल एज क्या होती है, जो आयु उस समय होती है मेंटल वाली, और क्रॉनिकल एज क्या होती है, वास्तविक आयु, जो उस टाइम रियल की आयु होती है ना। तो उसको, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम आईक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बच्चे जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो क्या होता है, 90 से 110 के बीच में होता है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम देखेंगे, हमें यही बताना था। बाकी जो है डल नॉर्मल के बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, 70 से 79 के बीच में होता है, और 80 के बीच में होता है ना। और जो ब्राइट नॉर्मल होते हैं, बिलो एवरेज ब्राइट नॉर्मल किस में होते हैं, 80 से 89 के बीच में। और जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं, बॉर्डर लाइन वाले बच्चे भी बेसिकली इसी में आ जाते हैं, और हम कह सकते हैं उनका जो आईक्यू होता है 60 to 70 होता है उनका आईक्यू। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा था, हमें एवरेज का बताना था, 90 to 110 का बताना था। तो ये आईक्यू किसके अंदर आएगा, एवरेज में आएगा। सो दिस इज अवर आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।